हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल बर्ड एंड एविएशन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर राहुल बर्ड के सेल्स में आपका बहुत स्वागत है। तो हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट की थी कि सर, हमें जब बर्ड में फीवर आ जाता है या बर्ड फुल के बैठता है हमें, तो यहाँ पर हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, इसके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने हुआ सर लास्ट तक। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बर्ड यहाँ पर पूरी तरह से फुल के बैठा है। तो जब भी बर्ड को फीवर आता है, इस तरह से बिहेवियर जो है बर्ड यहाँ पर दिखाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि बर्ड जो होता है, इसको फीवर आया है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। देखो, जिस तरह से ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर बर्ड का भी टेम्परेचर होता है, लेकिन बर्ड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो बर्ड का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, ये नियर अबाउट 106 से लेकर 107 तक होता है। हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बर्ड को जब भी हाथ लगाओगे तो बर्ड आपको काफ़ी यहाँ पर गर्म लगना यहाँ पर चालू हो जाता है। देखिए, इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं जब आपको बर्ड को यहाँ पर फीवर आता है। तो सबसे पहली चीज़, बर्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं, बर्ड डल हो जाते हैं, बर्ड खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने जो विंग जो होते हैं, विंग इस तरह से फ्लैप करके बैठते हैं इस तरह से, ताकि हीट जो होती है काफ़ी डिसिपेट होना चालू हो। उसके बाद यहाँ पर आइज होता है, कभी कभी आइज में से यहाँ पर डिस्चार्ज चालू हो जाता है। फूड पूरी तरह से बर्ड कम कर देते हैं। बर्ड को कभी कभी फीवर की वजह से यहाँ पर बर्ड को डायरिया भी हो जाता है। बर्ड को आप अगर वहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहे हो तो बर्ड की रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, आपको वहाँ पर बर्ड रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करता है। उसके बाद जब भी बर्ड को फीवर आता है तो बर्ड को जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा होता है, नेक में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बर्ड जो उनका नेक होती है पीछे इस तरह से डाल के वहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसे हम फूलना भी कहते हैं। उसके बाद बर्ड को जब भी फीवर आता है तो बर्ड अगर आउट ऑफ एनर्जी हो जाता है तो बर्ड केज में नीचे आके यहाँ पर बैठ जाता है। तो हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए कि बर्ड की अगर इस तरह से कंडीशन है तो उसके में कौन सी मेडिसिन देनी है, इसके बारे में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जनरली आप ध्यान में रखें, जब भी आपको स्पेशली बेबी पैरेट में, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें पैरासीटामोल आपको नहीं देना है। बहुत बार हम देखते हैं कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी की वजह से यहाँ पर बर्ड का लीवर खराब हो जाता है, बर्ड को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा चालू हो जाती है। आपको पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनिक यहाँ पर छोटे बेबी पैरेट में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करवाना। तो यहाँ पर क्या होता है, हिम पायरिंग करके यहाँ पर हिमालय की सबसे अच्छी मेडिसिन से, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है और क्लिनिकली बहुत अच्छी तरह से टेस्टेड है। तो ये बर्ड में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो उसके सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है, ये एंटीपायरेटिक। तो फ्रेंड्स, की जो एक्टिविटी होती है एंटीपायरेटिक, तो ये बहुत ही तेज़ी से आपके बर्ड का टेम्परेचर नीचे आता है। इसमें COX-1 COX-2 इनहिबिटर है, इसमें बहुत ही अच्छे से ब्लॉक कर देते। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी जिसकी जो होती है, ये होती है पेन किलर, यानी एनाल्जेसिक होती है। तो बर्ड में अगर कुछ पेन है, पेट में पेन है, या फिर कोई भी प्रकार का पेन हो, या फिर स्वेलिंग हो, यहाँ पर बहुत से काम करती है। उसके बाद इसकी थर्ड जो एक्टिविटी होती है, ये ब्यूटी जो इस प्रोडक्ट की है, ये है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी इन्फ्लामेशन बॉडी में जो होता है वो इजीली कम कर देता है। बॉडी में कहीं पर अगर इंटरनल स्वेलिंग है या फिर मसल की स्वेलिंग हो तो इजीली यहाँ पर कर देते हैं। और इसमें गुड़ुची होने की वजह से इम्यूनिटी जो होती है, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर आपके बर्ड की बिल्ड करती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, इसका डोजिंग किस तरह से करना है। देखिए, छोटे अगर बर्ड आपके पास है, बेबी पैरट्स अगर है, तो उसको 2 ड्रॉप आप मॉर्निंग कीजिए, 2 ड्रॉप इवनिंग कीजिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आफ्टरनून भी आप उसको 2 ड्रॉप दे सकते हो। उसके बाद बड़े अगर बर्ड है यहाँ पर, तो बड़े बर्ड को आप यहाँ पर 4 ड्रॉप मॉर्निंग, 4 ड्रॉप इवनिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। स्पेशली अगर आपके मीडियम साइज अगर आपके बर्ड है, जैसे आपके पास पैराकिट्स है आपके पास, अगर आपको रिंग नेक पैरेट्स है आपके पास, उसके बाद अगर प्लम हेड पैरेट है, या फिर आपके पास अगर अलेक्जेंडर पैरेट है, तो उसको आप 4 ड्रॉप इजीली दे सकते हो। बड़े अगर बर्ड आपके पास, जैसे मैकाओ है, अफ्रीकन गेप पैरेट्स, इस तरह से बर्ड अगर है, तो यहाँ पर आपको 0.5 से लेकर 1 ml तक भी आप इजीली जा सकते हो, डिपेंड ऑन बॉडी वेट्स के लिए। नाउ देखिए, ये प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि आप इसको कितने भी दिन कंटिन्यू अगर करते हो, अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर कुछ बीमारी है, उसमें बर्ड को पेन अगर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 1 हफ्ते से लेकर 15 डेज तक इजीली आप यूज़ कर सकते हो, उसका साइड इफेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड, बर्ड रिलेटेड अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।